तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप रियलमी नार्जो फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रियलमी नार्जो का कोई भी डिवाइस यूज करते हो, चाहे 50 हो, चाहे 50i हो, चाहे 20a हो, चाहे 30a हो, चाहे प्रो हो, 20 प्रो, कोई भी हो, बस रियलमी का डिवाइस यूज कर दे, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेटिंग लाने वाला हूँ। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं कहूँगा, बस आपको सेटिंग करना जो आपके फ़ोन में है। उसके बाद आपको मोबाइल 5 गुना फास्ट चार्ज होगा। हाँ दोस्तों, 5 गुना फास्ट चार्ज होगा, 100% वर्किंग सेटिंग है। तो आपको इस वीडियो पूरा अंत तक देखना। आपका फ़ोन कितना भी पुराना हो, चाहे कितना भी स्लो चार्ज हो रहा, बस आपको इन सेटिंग को अपन फोन में अप्लाई करना। उसके बाद आपका मोबाइल का चार्जिंग स्पीड 5 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने रियलमी नार्जो फोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, इस वीडियो पूरा अंत तक देखेगा। तो उससे पहले, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। तो चले बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइज, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप रियलमी नार्जो फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। आप रियलमी का कोई भी डिवाइस यूज करते हो, मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा उसके आपको अपने फोन में अप्लाई करना है। उसके बाद आपका मोबाइल का चार्जिंग स्पीड 5 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं उन सेटिंग को अपन फोन की स्क्रीन पर आके बताता हूँ। तो इसके लिए आपको आ जाए अपने फोन की स्क्रीन पर। अब आपको अपने फोन में सेटिंग को ऑन कर लेना। उसके बाद आपको सेटिंग मैन में आपको सर्च में ऊपर लिखना है चार्जिंग। तो चलिए चार्जिंग लिख देते हैं। आपको चार्जिंग लिखना है। चार्जिंग लिखने के बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉफी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज स्टैंड बाई पर ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसे आपको अल्ट्रा स्टैंड बाई मोड पर क्लिक कर देना, इससे अब आपको टर्न ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी अपन फोन को चार्ज में लगाएंगे तो जो बैकग्राउंड में ऐप रन करते हैं वह रन नहीं करेंगे, इससे आपका मोबाइल बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। तो इसे आपको कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बैक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का ऑप्शन दिया। दोस्तों, यह सेटिंग इसीलिए दिया कि जब आप अपने फ़ोन को रात में चार्ज में लगाते तो आप सो जाते, इसलिए यह सेटिंग दिया गया कि आपका मोबाइल धीरे धीरे बहुत ही स्लो चार्ज होगा, कि दिन तक जाते आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाए। इसलिए सेटिंग हमेशा ऑन रहता है कि आपका मोबाइल रात को बहुत ही स्लो चार्ज हो, क्योंकि यदि तुरंत फास्ट चार्ज होगा तो दिन भर पूरा आपका मोबाइल चार्ज में लगा रहेगा, तो इससे ख़राब होगा। तो इसीलिए सेटिंग दिया गया कि आपका मोबाइल लेट चार्ज हो और आपका दिन तक चार्ज हो जाए, जिससे आपका मोबाइल ही नहीं ख़राब हो। यदि आपको अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज करना हो तो इस सेटिंग को आपको बंद कर देना। उसके बाद आपका मोबाइल बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। बाद में आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, तो आपको इस सेटिंग को भी बंद कर देना। तो चलिए मैं आपको तीसरा सेटिंग बताता हूं। इसलिए आपको आ जाना बैक। तो चलिए बैक आ जाते हैं। अब आपको अबाउट फोन में आ जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट फोन दिया है। अब आपको यहाँ पर बेस्ट कर्नल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद बिल नंबर पर आपको 7 बार क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेना। 7 बार क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है एडिशनल सेटिंग में। तो चलिए आ जाते हैं एडिशनल सेटिंग में। पर एडिशनल सेटिंग दिया। अब आपको अपन फोन में डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर USB डेगुंग का ऑप्शन दिया होगा, इसे भी आपको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, जब भी अपन फोन को चार्ज में लगाएंगे तो जो डिसकनेक्टेड कनेक्टेड लिखता हुआ नहीं लिखेगा, इससे भी आपका मोबाइल बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। उसके बाद आपको और नीचे आना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए नीचे आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं सिलेक्ट USB कॉन्फिग्रेशन दिया होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यह आपके फ़ोन में किसी भी मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल चाहे किसी पर भी होगा, आपको चार्ज पर कर देना, इससे आपका मोबाइल बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। यह ऑप्शन तभी जब आप बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे, तभी यह ऑप्शन आता है। तो इस पर आपको चार्ज पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका मोबाइल बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। चार्ज पर क्लिक करके आपको बैक आ जाना है। चलिए मैं एक सेटिंग और भी दिखा देता हूँ आपको। आप ऊपर भी एक सेटिंग है। अब आप देख सकते हैं कीप स्क्रीन ऑन व्हील चार्जिंग। यदि आपके फ़ोन में ये ऑन होगा तो इसे आपको डेफिनेटली बंद कर देना। इसे बंद करने से क्या होगा कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे जो स्क्रीन हमेशा बड़ा रहता है वो बढ़ेगा नहीं। तो ये सेटिंग आपके फ़ोन में ऑन रहेगा तो आपका स्क्रीन चार्ज में लगाने के बाद हमेशा ऑन रहता है, तो इसे आपको बंद कर देना। दोस्तों, यही सेटिंग है जिसको ऑन करने के बाद आपका मोबाइल बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। तो जो मैंने सेटिंग बताया उसे आपको अपने फ़ोन में अप्लाई कर देना। उसके बाद आपका रियलमी नार्जो फोन बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। यदि आपको अदर को बैटरी बैकअप बढ़ाना होगा रियलमी नार्जो, चाहे हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम होगा स्पीकर का भी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।